सेंद्रे और आप देख रहे हैं खबर लहरिया। आज हम बात करने वाले हैं प्राइड मंथ के बारे में और छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों के जो ट्रांसजेंडर हैं प्राइड मंथ के बारे में क्या सोचते हैं, हम उन्हीं से ही जानने की कोशिश करते हैं। प्राइड मंथ एलजीबीटी कमेटी के लिए एक त्योहार का मंथ है जो एक समाज में अपनी पहचान अपनी आइडेंटिटी के साथ जीना चाहता है, समता और समाज की लड़ाई लड़ रहा है, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए इतनी खूबसूरत कलर के साथ इतने खूबसूरत रंग के साथ अपनी नई नई ड्रेस के साथ नए नए कपड़ों के साथ नई नई डिज़ाइन के साथ रोडों पे निकलता है समाज को एक दिखाने के लिए कि मैं हूँ, मेरी पहचान यही है, मुझे इसी आज़ादी के साथ इसी आइडेंटिटी के साथ जीना है। तो इसलिए हमें प्राइड मंथ और ये हमारे लिए एक त्यौहार जैसा होता है लोगों के, जैसे दिवाली होली का त्यौहार होता है, इसलिए प्राइड मंथ जनवरी का जो महीना जून का जो हमारे लिए एक बहुत खुशी और उल्लास का महीना है, इसलिए हम इसे प्राइड मंथ के नाम से जानते हैं और इसे खूब उल्लास के साथ मनाते हैं। मेरा नाम गौरेज गंभीर है, मैं रायपुर में रहता हूँ और मैं एलजीबीटी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। और जो जून का महीना होता है वो हमारे लिए हिस्टोरिकल होता है और इस हिस्टोरिकल मोमेंट को एक पार्टी या फिर सतरंगी कपड़े पहनकर सतरंगी पार्टी या फिर एक दूसरे कम्युनिटी वाले मिलकर किसी भी तरह से इंजॉय करते हैं। और इसमें हम अपने आप को बताते हैं कि हम एलजीबीटी कम्युनिटी से हैं और इस पर बहुत अच्छे से सेलिब्रेट। कम्युनिटी के सारे लोग एक्टिविटीज जितने भी सोशल एक्टिविटीज है या सेक्सुअलिटी के साथ जो भी जुड़ा हुआ है वो अपने आप को फोर्सफुल और डिस्क्लोजर्स के साथ वो बहुत गर्वान्वित होते हैं, मार्च पे प्राइड में शामिल होते हैं। इवन गांव, देश, अदर डिस्ट्रिक्ट, इंटर स्टेट, सारे स्टेट से लोग आते हैं और यहाँ पर एकत्रित होकर सुनिश्चित जगह पर वो प्राइड मार्च निकालते हैं। इस बीच हमारे प्राइड मास के अनुशासन में प्रशासन का भी सहयोग मिलता है क्योंकि प्रशासन हमसे हमें परमिशन दिया जाता है हमारे सुरक्षा के लिए, हमारे योगदान के लिए। मीडिया कर्मी भी हमारा योगदान करते हैं, हमारे न्यूज़ को या हमारे इस एक्टिविटीज़ को कवर करते हैं, शॉर्ट करते हैं पॉजिटिव। जो लोग हैं समाज के जो वर्ग हैं, आप उनसे क्या अपेक्षाएं करती हैं, क्या होना चाहिए? अपेक्षाएं समाज से यही कि मुझे जीने दो, इसी पहचान के साथ मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो मेरी पहचान है, कुदरत ने मुझे जो पहचान दी है, माय आइडेंटिटी दी है, जो मेरा पहनावा है, जो मेरी खुशी है, उसके साथ मुझे जीने दो। और बस यही इतना मांगती है समाज से कि जियो और जीने दो, आप भी खुश रहो, मैं भी खुश रहूँगी और मुझे मेरी ताकत मेरी पहचान के साथ इस समाज में रहने का अधिकार। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।